हाय, तो ये है मेरा रूम। मतलब गांव में आप लोग पूछते हो ना कि आपका रूम कौन सा है, आप नहीं दिखाते हो। तो मैं इसलिए नहीं दिखाती हूँ क्योंकि मैं खुद ही इस रूम में नहीं जाती हूँ कभी। मैं इसमें सोती नहीं हूँ, नीचे वाले जो घर में जो कमरे हैं उन्हीं में सोते हैं। तो ये है मेरा रूम, ये मेरी वॉशिंग मशीन मम्मी ने अच्छे से ढक के पैक करके रखी है। तो यूजुअली सबके घर पे जो एक्स्ट्रा सामान होता है वो ऐसे ही पड़ा रहता है उस कमरे में जिसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो ये मेरी दो दो यहाँ पे अलमीराज पड़ी हुई है, उसके ऊपर जो भी सामान रहता है वो, और ये मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो हम लोग अपने वाले कमरे में आए थे क्योंकि मुझे थोड़ा सा सामान यहाँ से निकालना था, अलमीरा में मेरा पड़ा था वो, और वो मुझे लेके जाना था अपने साथ। तो फिर मैंने सोचा चलो कमरा भी देख लेते हैं और आपको भी दिखा देती हूँ। तो जो भी एक्स्ट्रा सामान है, कुछ मम्मी का सामान यहाँ पे पड़ा है ऐसे करके, तो इसलिए कमरा जो है काफ़ी भरा हुआ है। मेरा कोई नहीं सोता है बहुत ही ज़्यादा, अगर कभी ऐसा होता है कि गेस्ट कोई आ जाए तो वो सोते हैं यहाँ पे। तो ये मेरा गाउन है, ये मुझे लेके जाना था, तो फिर इसी के लिए आई थी मैं अपने रूम में। तो मैंने सोचा कि चलो इस बार जब हम आई हैं तो ये भी लेके चलते हैं, क्योंकि मुझे एक बैग जो है वो एक्स्ट्रा तो लेके जाना ही था अपने साथ। तो ये मेरी ननद की शादी थी, उसके लिए मैंने लिया था गाउन एंगेजमेंट के लिए एक्चुअली। तो ये मुझे लेके जाना था अपने साथ। तो चलो मैं आपको भी दिखा देती हूँ। ये इस तरह से कुछ ब्राउन कलर में है और ये फ्लोर लेंथ का है। तो मैं अभी नीरज से यही बोल रही थी कि क्या ये मुझे आ जाएगा अभी कि नहीं आएगा। तो वो कह रहे थे कि उस टाइम जब ये लिया था उस टाइम तुम ज़्यादा मोटी थी और अब तुम थोड़ी पतली हो गई उस हिसाब से। तो ऐसे चलो कोई नहीं, बाद में ट्राई करके देखेंगे। सामने जो माला लटकी दिखाई दे रही है वो हमारी जय माला है शादी की। तो इसको फेंकने नहीं देते ना, कहते संभाल के रखना चाहिए। और यहाँ पे ये आदित भी पहुँच गया है। तो ये इसका तकिया है बचपन का, जब ये छोटा सा था। तो ये इसको रहता है कि कुछ सामान देख रहे हैं तो वो भी अपना हाथ साफ कर लेता है कि उसको कोई मतलब की चीज़ अपनी मिल जाए। तो यहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं बिलासपुर। हम लोग यहाँ पे मंदिर है बिलासपुर में, धौल रहे बोलते हैं वैसे तो, नाहर सिंह जी का मंदिर है बाबा जी का, तो वहाँ पे आए थे। तो ये आदित्य जो है वो झंडी लेके जा रहा है आगे, वहाँ पे एक्चुअली झंडा चढ़ाते हैं। और प्रसाद की टोकरी भी हमने ली थी बट इसके पास दे दिया था ये झंडा। तो हम लोग क्या करते हैं जब भी बिलासपुर आते हैं तो कोशिश करते हैं कि यहाँ पे आए जाए जब भी वापस टाइम होता है, क्योंकि बहुत से लोग जो है बहुत दूर दूर से आते हैं और हम लोग नज़दीक होते हैं जाते हैं। तो फिर इसलिए हम यहाँ पे आ गए थे। तो मंदिर की जो एंट्रेंस है वो इस तरीके से है, अंदर से कुछ रेनोवेशन का काम चल रहा था इसलिए पूरा जो है प्रॉपर्ली तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगी, जो पूरा यहाँ का है आंगन वगैरह जो था वो, क्योंकि वहाँ पे कुछ काम चल रहा था अभी। बट जहाँ जहाँ से मैं गई हूँ वहाँ से मैं आपको दिखा दूंगी। तो ये हम लोग यहाँ से अब अंदर एंटर हो गए हैं। तो वैसे जो रास्ता है वो लेफ्ट साइड से है बट हम लोग यहाँ से जो शॉर्टकट था डायरेक्ट मंदिर के लिए वहीं को जा रहे थे, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। जिस दिन भीड़ वगैरह ज़्यादा होती है उस टाइम पे लाइंस लगी होती है, बट आज इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, बहुत ही कम लोग थे, मतलब थे आते जाते चलते हुए लोग थे, ऐसा नहीं था कि खड़े होना पड़ रहा है दर्शन के लिए, वो नहीं था। तो बहुत मान्यता है इस मंदिर की, मैं बता रही हूँ आपको कि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। तो जो ये रहा जो मेन मंदिर है वो, तो मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ कि ये ऊपर से लेके कैसा दिख रहा है, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए मंदिर के। और सामने वो भेंट पात्र पड़ा है, अगर आपको कुछ दान वगैरह देना है तो उसमें डाल सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी, ऐसा कुछ फोर्स नहीं किया जाता या लिखा नहीं है कि कंपल्सरी है। तो ये रहा जो बाबा जी का यहाँ पर है मेन जो मंदिर है जहाँ पे मत्था टेकते हैं दर्शन करते हैं वो। तो हम लोग अभी बैठ के यहाँ पे धूप वगैरह जलाएंगे। तो ये आदित्य जिद कर रहा है कि यही बनाएगा। और मंदिर के पीछे की तरफ कुछ गोविंद सागर लेक है वो है, और काफ़ी बढ़िया है ये लेक। तो आजकल तो खैर बरसात का टाइम है तो पानी बहुत ज़्यादा है, हर तरफ आपको पानी पानी दिखेगा। और यहाँ पे बोट्स भी चलती है, अगर आप बोटिंग करना चाहते हो तो वैसे भी होता है, बोटिंग भी कर सकते हैं। सेल्फ बोटिंग नहीं है, जो मोटर से चलती है बोट्स वो है। हाय, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमाचली ब्लॉगर पूजा। तो आज मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी के घर, और आज है सैटरडे। अपनी मम्मी के घर मतलब अपने मायके जा रही हूँ। तो अभी हम लोग हैं बिलासपुर में। तो जब भी हम बिलासपुर आते हैं तो हम यहाँ पे जो मंदिर है नाहर सिंह जी का मंदिर है, यहाँ पे पॉसिबल होता है तो ज़रूर आ ही जाते हैं। तो फिर हम लोग जाते जाते जो है यहाँ से हमने सोचा कि चलो मंदिर पे जाए आते हैं। तो हम आए थे अभी मंदिर में, मंदिर तो आपने ऑलरेडी थोड़ा सा
देख ही लिया होगा, बहुत अंधेरा आ रहा है क्योंकि बहुत तेज धूप है और ये रहा पीछे गोविंद सागर लेक। तो अभी हम लोग अभी निकलेंगे घर के लिए। मैंने सोचा चलो आपको भी थोड़ा सा दिखा देती हूँ और बाबा जी के दर्शन भी करवा देती हूँ। गोविंद सागर लेक है ना ये, तो ये गोविंद सागर लेक यहाँ पे ये ना कोई वो बेड़ा तरा रहा है ना, बेड़ा पार नहीं हो रहा, बेड़ा तराते हैं, बेड़ा पार करा रहे हैं। उसका बज रहा है ढोल, और यहाँ पे ना झूले लगे, झूले भी है थोड़े से। अरे तो हमने सोचा कि 5-7 मिनट आती थी यहाँ पे झूल लेगा, थोड़ा सा एंजॉय कर लेगा क्योंकि उसके बाद फिर निकलेंगे तो अब 2-3 घंटे जो है बस में ही हमारे चले जाएंगे, निकल जाएंगे। तो ये जो पानी है काफी गहरा है, हम लोग और गर्मियों में एकदम सूखा रहता है ये, थोड़ा थोड़ा पानी होता है, इतना ज्यादा नहीं होता है बट सूखा होता है। यहाँ पे मंदिर है, पुराने मंदिर बने हुए, वो जब भी बरसात होती है तो पानी में डूब जाते हैं। तो अभी तो वो कहीं पे दूर दूर तक जो है नजर भी नहीं आ रहे हैं वो मंदिर। और ये देखो वो जो छोटी सी दिखाई दे रही है ना उधर, वो बोट है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कोई घर पे बुजुर्ग हो जाता है, कोई बहुत बूढ़ा होता है, तो उनसे बेड़ा तराते हैं, ऐसे बोलते हैं कि बेड़ा तारना है। मतलब उसमें क्या होता है कि वो एक दिन के पैसे दे देते हैं बोट वालों को, तो जिसको भी झील के आर पार जाना है उनको एक दिन का जो है वो खर्चा दे देते हैं। तो फिर उसके बाद वो किसी से भी पैसे नहीं लेते, फ्री में उनको लेके जाते हैं इधर से उधर। तो वही हो रहा है क्योंकि ढोल वगैरह बज रहा है, तो शायद वही हो रहा है। तो चलिए फिर अभी अब शायद घर जाके मिलूंगी आपसे, क्योंकि बस में तो शूट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है और बहुत ज़्यादा गर्मी भी है यहाँ पे। मौसम तो खैर थोड़ा कभी बादल कभी धूप वाला हो रहा है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। तो अब हम लोग निकलेंगे यहाँ से। चलो 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 करो डांस। हाय गुड मॉर्निंग। तो आज हम पहुंच गए हैं मम्मी के घर पे और ये सुबह का है। तो यहाँ पे मम्मी धो रहे हैं बाहर बर्तन और मैंने कपड़े सुखाने के लिए डाल दिए, ऑलरेडी सुबह सुबह ही धो दिए क्योंकि सूखने भी ज़्यादा ज़रूरी है, धूप कम है। तो यहाँ पे मैंने आदित के और नीरज के दोनों के शूज़ बहुत गंदे हो रखे थे तो वो भी धो दिए, और इनको मैं काफ़ी ऊपर पत्थरों के ऊपर रख दूँगी ताकि ये आराम से सूख जाए जल्दी से, क्योंकि ज़्यादा दिन का टाइम हमारे पास नहीं है रुकने का, तो गीले होंगे तो फिर पहन के नहीं जा पाएंगे। तो सुबह सुबह यही था सब कुछ, जो काम चला रहता है वही। तो यहाँ पे मैं कभी इधर खड़े हो गए कभी उधर खड़े हो गए, बस वही होता है घर पे आके, मम्मी के घर पे आके कि गप्पे लड़ाते रहो यहाँ से वहाँ। तो मैं मम्मी से बातें भी कर रही थी साथ ही साथ, जो ये कपड़े थे यहाँ पे इनको अदला बदली कर रही थी इनकी बार बार, क्योंकि धूप कम थी और धुंध ज़्यादा पड़ रही थी। मौसम तो मतलब ये था कि बारिश नहीं थी बट फिर भी कुछ अजीब सा मौसम हो रखा था कि धुंध थी, बारिश भी नहीं हो रही थी ना धूप निकल रही थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि अगर कपड़े नहीं सूखे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपको पता ही है कि मैं ज़्यादा कपड़े जो है वो लेके नहीं आई थी, 3-4 दिन के लिए ही आना था इसलिए। बट फिर भी जो थे वो भी कुछ गंदे पड़े थे बैग में, कुछ ये मैंने धो दिए थे सारे, मैंने नहीं धोए थे कि बैकअप में कुछ तो रहना चाहिए अगर इनकेस नहीं सूखते हैं तो। तो आप देख रहे हो कि पीछे कितनी धुंध पड़ी है और मक्की के खेत में मक्की जो है, मक्की के पेड़ बड़े बड़े हो गए लेकिन उनमें अभी मक्की नहीं लगी है। तो जो राख वाले बर्तन होते हैं वो यहाँ पे ही धोते हैं मम्मी बाहर, ताकि अंदर जो है फिर वो उसकी राख ही राख हो जाती है सिंक में, इसलिए यहीं पे धो देते हैं। तो सामने की तरफ पापा बैठे हैं और ये रहे हमारे यहाँ पे जो अखरोट का पेड़ मैंने लास्ट टाइम दिखाया था जब मैं घर पे थी, तो ये अखरोट जो हो गए हैं, इनके छिलके पापा ने निकाल दिए हैं। तो ये जो अखरोट है इनको सुखाने के लिए बाहर रखते हैं धूप में, क्योंकि इनके अंदर जो होता है, अब जो असली अर्थ में अखरोट होता है इसके अंदर जो अखरोट निकलता है वो फिर सूख जाता है, पक जाता है अच्छे से। अभी तो ये अंदर से कच्चे हैं, प्रॉपरली पके नहीं हैं। और ये नींबू के पेड़, उस टाइम पर मैंने नींबू दिखाए थे तो बहुत ही छोटे छोटे थे क्योंकि मैं जुलाई में थी यहाँ पे। हाँ तो मैंने आपको जुलाई में दिखाए थे। तो फिलहाल अभी आप देख सकते हो कि
नींबू भी अच्छे से हो गए हैं, बीच बीच में पकना शुरू हो गए हैं, कुछ अभी हरे ही हैं, लेकिन जो हरे उनमें भी रस है, लेकिन जो हरे होते हैं उनको निकालते नहीं हैं, जब वो पक जाएंगे तो ही निकालेंगे। और ये जो है ये बीन्स उस टाइम पे छोटी छोटी सी थी और 1.5 महीने में देखो कितनी बड़ी बड़ी हो गई है ये, तो उसकी जो ये बेल है वो भी काफ़ी बड़ी हो गई। यहाँ पे पापा अखरोट खा रहे, तो अखरोट जो है वो आंगन में पड़े तो चलते फिरते जिसका हाथ लगता है वो उठा के खाता रहता है। तो ये जो आपको इसमें पेड़ में लिफाफे से बंधे हुए दिख रहे हैं, आप देख सकते हो कि ये जो जिस पेड़ पे लगाए हैं ये हाइब्रिड की खुमानी लगाई है। ये पेड़ खुमानी का ही है, लेकिन जो देसी खुमानी है उसका पेड़ है उस पर ये हाइब्रिड की जो खुमानी है उसकी कलम करी गई है। तो ये मेरे जीजू ने करी है, ऐसे ऐसे काम वही करते हैं। तो इस पर अब ये लग भी गई है, कोम्पले आ गई है इसमें, तो ये लग जाएगा अब अच्छे से। तो अब हम जा रहे हैं ताई जी के घर पे, तो आगे जो आपको देखने को मिलेंगे वो मेरे ताऊ जी और ताई जी है। मैं जो आवाज़ है वो म्यूट नहीं करूँगी, क्योंकि आप बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में, तो फिर वो उनसे जो मैंने बात करी है वो अपनी हमारी अर्की वाली जो लैंग्वेज है उसमें, तो आप भी उसको इंजॉय करना। जिसको समझ आएगी वो बताना, जिसको नहीं आएगी समझ वो भी बताना कि वो क्या समझे हैं। कुत्ता भी है इतनी तो। माता, हेलो जेंटलमैन, क्या हाल है? ठीक है महाराज, ठीक है महाराज, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नमस्ते तो। नमस्कार मेरा पुत, वो ठीक है मेरा पुता? देखा खाने पड़ो है? ना ना, नहीं नहीं। कहाँ से बैठे हो? कुर्सी है पितरे, आई आई लांबी लगी रोने, तुझे छोटी लगी रोने। कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं फुलके चूल्हे पे? तो ये आग कैसे जलाते हैं? देखा तू मम्मा कैसे फुलके बनाती है। आपके पीछे क्या है ये? कुणी, कुणी बोलते हैं इसको। धूप आ गई भाई, चलते बेटा। क्या लग रहा है दूसरे करने? धूप थोड़ी है, का है ये? जिस चीज का अगर कंफर्म नहीं होना तो ओवर कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोलना होता है। कॉन्फिडेंस ही क्या, ओवर ना हो। ये क्या मूली? चप्पल नहीं, आंगन में नहीं होते गद्दे।
ये मैं ले आई। आए तो अभी आप मुझे देख के देखो कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं कहाँ पे हूँ। तो मैं आ गई हूँ आज अपनी मम्मी के घर पे, और यहीं पे घर के साथ में जो खेत है मैं उसमें हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो आपको भी दिखा देती हूँ। तो फिलहाल जो है ये मक्की के हैं, और मक्की के पौधे हैं, ये पेड़ है मक्की के। ये वाला जो ये इसका किनारा होता है ना, ये बहुत ज़्यादा वो होता है, तीखा होता है, इससे ना हाथ भी कट जाता है कई बार, ऐसे हल्का फुल्का से इससे हाथ कट जाता है। और ये जो इसमें लगे हुए हैं ना बीच बीच में, ये जो मक्की के साथ लिपटे हुए हैं, ये राजमा की जो बेल होती है वो होती है, इसमें राजमा की लगती है दाल, उसको हमारी अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं बालड़ियाँ। और ये चौलाई का पौधा है, बाथू जिसको बोलते हैं ना, चौलाई के लड्डू अगर आपने खाए होंगे वो है। और मैंने कुछ दिखाना था आपको, हाँ मक्की तो अभी लगी नहीं है, बट ये देखो ये धीरे 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 बड़ा होता जाएगा ना, इसमें अभी ये लगे हैं, ये जो बाल्स है आपको दिखाई दे रहे, धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा तो इसमें लगेगी मक्की। तो मक्की फिलहाल अभी यहाँ पे हुई नहीं है। मक्की मतलब छल्ली, भुट्टा, जो भी बोलते हो आप लोग, जैसे झुक झुक के जाना पड़ रहा है, नहीं तो इसमें ना हाथ कट जाता है, हाथ कट जाता है, मतलब जहाँ पे भी लगता है कट जाता है, ये कट लगता है इससे। हाँ तो ये रहा हमारा किचन, यहाँ पे जो है वो लस्सी मक्खन बन रहा है, और किचन इस तरीके से है। तो मैंने सोचा चलो आपको दिखा देती हूँ। और ये रे मम्मी, मम्मी तड़का लगा रहे हैं गैस पे ही, कुछ चूल्हे पे भी उन्होंने चढ़ा रखा है, यहाँ पे गैस पे भी बना रहे हैं। तो ऐसे ही चलता है, आधा खाना जो है गैस पे पकता है और आधा चूल्हे पे। तो मैंने सोचा कि चलो ये भी दिखा देती हूँ। और जो ये कूनी है, इसको कूनी बोलते हैं जहाँ पे लकड़ियाँ रखी हैं, कोने को मतलब पहाड़ी में कूनी बोलते हैं। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे करती हूँ एंड, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।